फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है कार्डिंग ट्यूट कार्डिंग मेथड। तो आपको एक बात बता दें, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड वाले बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मोबाइल से यूजर्स हैं तो इसी वीडियो के नीचे एक ऐसा ही रेड कलर का बटन आता होगा, आप उस पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब आसानी से कर सकेंगे। सब्सक्राइब करने पर आपको क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, कि हमारे जितने भी नए वीडियो की अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए चलते हैं नए वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से मैं हमारे एक यूट्यूब के सब्सक्राइबर है, इनका नाम भावेश है, तो उनके कहने से ये वीडियो बना रहा हूँ। उनको एक गेम हैक करना है, तो मैंने ये गेम का पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, मगर वो ओल्ड वर्जन में वर्क कर रहा था। अभी जो न्यू वर्जन आया है उसमें ये काम नहीं कर रहा, तो आज मैं इस न्यू वर्जन के लिए भी एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि अगर आपका गेम अपडेट हो जाए तो आप इसमें थोड़े से आसानी से गेम हैक कर पाए। और दोस्तों, अगर आपको भी कोई भी गेम हैक करवाना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपका मोबाइल रूटेड हो तो कमेंट में गेम का नाम और लिख देना कि आपका मोबाइल रूटेड है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कौन से मेथड से आपके लिए गेम को हैक करना है। तो दोस्तों, बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई है गेम हैक करने के लिए, मगर प्रॉब्लम ये है कि मैं एक साथ इतने सारे गेम हैक नहीं कर सकता, एक एक करके करूँगा तो टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों, आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अभी मेरे कम से कम 11,000 सब्सक्राइबर हो गए, इसी तरह का सपोर्ट बना रहेगा तो मैं ऐसी ही बहुत सारी वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि आपको थोड़ा ज्ञान मिले। तो आइए चलते हैं दोस्तों, भावेश जी की रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं Shadow Fight 2। उनको यहीं गेम हैक करवाना है, इसका जो न्यू वर्जन आया है मैं आपको दिखाता हूँ। Shadow Fight 2 मैंने ऑलरेडी इसको तो डाउनलोड कर ही लिया है, मैं इसको आपको वर्जन दिखाता हूँ कौन सा वर्जन है। आप देख सकते हैं ये न्यू वर्जन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप तारीख भी देख सकते हैं कौन सी डेट को ये रिलीज़ हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। तो आज हम इस गेम को हैक करते हैं, तो सबसे पहले मैं इस गेम को आपको थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। तो हम गेम को ओपन करते हैं और प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हम क्या हैक करेंगे। दोस्तों, कोई भी गेम को अगर हैक करना हो तो उसके लिए कोडिंग आना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी गेम को कोडिंग से ही हैक किया जाता है। ज़्यादातर जो अभी जितनी भी न्यू बन रही है उस सारी कोडिंग के ज़रिए हैक कर सकते हैं, बिना कोडिंग के नहीं कर सकते। अगर आपको कोडिंग आती है तो दोस्तों आप वर्ल्ड वाइड की कोई भी गेम हैक कर सकते हो, मगर अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, मैं इंटरनेट ऑफ कर देता हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है प्लेयर ओपन होने में। ये मेरे नए रोम में थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे गेम नहीं चल रहे। चलिए फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ क्या चालू हो रहा है या नहीं। बहुत टाइम लग रहा है,
दोस्तों, ये ओपन हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अभी 80 कॉइन और 9 डायमंड है। तो आप देख सकते हो ऊपर। तो आज हम इसी को हैक करेंगे। तो दोस्तों चलिए हैक करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको ये 3 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं ES फाइल एक्सप्लोर, रार और चिप सिग्नेचर। तो सबसे पहले हम ES एक्सप्लोर को ओपन करेंगे और गेम का बैकअप ले लेंगे ताकि हम उसमें काम कर सकें। तो हम इतने जाते हैं और शैडो फाइट का बैकअप ले लेते हैं। यहाँ पे बैकअप ले लेते हैं, मैंने ऑलरेडी लेके रखा था, फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं बैकअप ले रहा हूँ। हमने बैकअप ले लिया है दोस्तों। अब हम बैकअप के फोल्डर में जाते हैं और एस में, और इसको कॉपी कर लेते हैं गेम को ताकि हम इसमें काम कर सकें। कॉपी करके हम न्यू फोल्डर के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमको इसमें अब काम करना है। तो इस वाले फोल्डर में मैं जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये पेस्ट हो गया, इसको हम रीनेम कर देते हैं। इसको रीनेम करके पीछे APK को निकाल के लोड RAR कर देते हैं। तो दोस्तों ये RAR हो गया। अब हमको क्या करना है, RAR को ओपन करना है। ये RAR है, उसको हम ओपन करेंगे और जो फोल्डर था उसको हम फाइंड करेंगे कि कहाँ पे हमने गेम रखा है। तो ये वाला फोल्डर था, इसको हमने ओपन कर लिया। और जो मैंने गेम मोडेट एक बना के ऑलरेडी रखा है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर ले। तो हम एक्सट्रैक्ट हियर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं एक फोल्डर बन के आ गया है। तो हम इस डेटा को डिलीट मार देते जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो अब ये बचा। अब इस पे से हम ये ऊपर की जो 4 फाइल है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो 4 फाइल है उसको हम कॉपी कर लेते एंड सभी को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको अपन लेवल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको शैडो फाइट रार पे क्लिक करना है और इसमें आपको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना। आप देख सकते हो ऊपर पेस्ट का निशान ही है, उस पर क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये पेस्ट हो गया है। फिर से अपन फाइल पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों के चारों फाइल आ गए। अब फिर से हम अपन फाइल पे क्लिक करते हैं, फिर से ये गेम डाटा के अंदर जाते हैं और ये लास्ट वाला जो फाइल है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम फिर से ओपन फाइल पर क्लिक करेंगे, शैडो फाइल टू ये रार वाले फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर एसेट में क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये भी पेस्ट हो गया है। फिर से ओपन फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर से ओपन फाइल पर, और इस गेम को रीनेम करेंगे, जो रार है उसको हम हटा देंगे और यहाँ पर कर देंगे APK और ओके कर देंगे। अब दोस्तों ये गेम एपिक रीनेम हो गया है। अब इसको हम जीप सिग्नेट से सेंड कर देंगे। तो अब जीप सिग्नेट ओपन करते हैं, उसके बाद गेम को चूज़ करते हैं। गेम कहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया और सेंड द फाइल कर देते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों सेंड होने में, एक बार साइंड हो जाएगी तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। मगर उससे पहले हमको जो गेम इंस्टॉलेड है उसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गेम इंस्टॉल होगा और आप फिर से न्यू गेम इंस्टॉल करोगे तो बहुत सारे फोनों में तो ये होगा ही नहीं इंस्टॉल। और जो ये 6.0 जो अभी न्यू मास मेलो है उस फोन में हो जा रहा है, मगर उसका जो डेटा ऑलरेडी उसमें आ जाता है तो क्या है ना, बहुत सारे गेम प्रॉब्लम करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको सेंड कर दिया, इस फाइल को हम रिमूव कर देते हैं, जो गेम हमने इंस्टॉलेड है उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब रार में जाते हैं और जो सिग्नेट फाइल है आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेट, हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं।
तो दोस्तों याद रखिए, आपको गेम पोलो वाला गेम को अनइंस्टॉल करना है, उसके बाद ही न्यू ये गेम को इंस्टॉल करना है, वरना एरर आएगा। तो ये गेम इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको दिखाऊंगा थोड़ा प्ले करके, ताकि आपको पता चले कि हमने इसमें क्या हैक किया है। तो यहाँ पे हम ओपन करते हो, तो दोस्तों पहले ये एरर आएगा, आप ओके कर दे, कोई टेंशन नहीं है, फिर दो बार अलाउड कर दे, अब ये गेम ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। दोस्तों अगर आपको भी कोई भी गेम मोड करवानी है तो नीचे कमेंट में लिखिए, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर आपके लिए गेम हैक करके ऐसे ही वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, चाहे वो कोई सा भी गेम हो। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा, मैं ये नहीं कहता कि सारी गेम मैं हैक कर ही लूँगा, मगर मैं कोशिश करूँगा, अगर हो जाएगा तो मैं इसी तरह का एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कॉइन थे वो सारे 777, और जो डायमंड थे वो भी सारे 777 कर दिए मैंने। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। और दोस्तों अगर आप हमारे न्यू यूजर से न्यू, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।